नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर के एक विवादित बयान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। उन्होंने केरल में एक स्पीच के दौरान कह दिया कि अगर 2019 में फिर से बीजेपी जीतेगी तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या थरूर बीजेपी की 2014 वाली जीत से डर गए हैं? क्या राज्य दर राज्य बीजेपी की जीत से थरूर समेत कांग्रेस पार्टी दहशत में आ गई है? आखिर क्या वजह है कि शशि थरूर ने भारत की तुलना आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान से कर दी? देखिए ये रिपोर्ट। मौजूदा राजनीति में कुछ बदला सा नजर आ रहा है। पहले बीजेपी नेताओं पर विवादित बयान देने के आरोप लगते रहते थे, लेकिन आजकल कांग्रेस नेताओं पर ये आरोप लग रहे हैं। फिर चाहे वो मणिशंकर अय्यर हों, सैफुद्दीन सोज हों, गुलाम नबी आजाद हों या फिर अब शशि थरूर, जिन्होंने हिंदू पाकिस्तान वाला बयान दे डाला। ये बयान उन्होंने केरल में महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को संबोधित करते वक्त उन्हें संविधान में बदलाव की प्रक्रिया समझाते हुए दिया। तो पहले समझिए कि भारत का संविधान कब किन शर्तों पर दोबारा लिखा जा सकता है। दरअसल देश का संविधान दोबारा लिखे जाने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए, जिनमें पहली शर्त है कि किसी एक पार्टी का लोकसभा में 2/3 बहुमत हो, दूसरी शर्त है कि राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत हो, जबकि तीसरी शर्त है कि देश के आधे राज्यों में उसी पार्टी की सरकार हो। मतलब ये तीनों ही शर्तें कोई एक पार्टी पूरी करती हो तो देश के संविधान की चिंता करते हुए थरूर ने यही प्रक्रिया समझाते हुए लोगों को आसानी से बीजेपी का डर दिखाते हुए कहा कि बीजेपी अगर ये तीनों शर्तें पूरी कर लेगी तो वो देश का संविधान फिर से लिखेगी जो हिंदू राष्ट्र के सिद्धांतों पर आधारित होगा, जिसमें अल्पसंख्यक लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। So far what is preventing them is that they need 3 things to change the constitution. They need 2/3 of the Lok Sabha, 2/3 of the Rajya Sabha and half the states. As you know, right now they have 2/3 of the Lok Sabha with the NDA alliance. They have more than half the states. They control 20 states and they are in coalition in 2 more out of 29 states. The only thing they don't have now is a majority in the Rajya Sabha. But because they have so many state governments and the state assemblies elect the Rajya Sabha, you can be sure that within 4 or 5 years they will have a majority in the Rajya Sabha as well. तो अब ये बताते हैं कि क्या वाकई बीजेपी इस स्थिति में है कि वो तीनों शर्तों को पूरा कर देश का संविधान बदल सकती है। उससे पहले आपको बता दें कि मूल गणित से सियासी गणित थोड़ी अलग है। यहाँ 2/3 का मतलब है हाफ प्लस 1, यानी अगर सीटें 100 हैं तो 50+1। हाँ, तो पहली शर्त की बात करें तो बीजेपी को देश का संविधान फिर से लिखने के लिए लोकसभा में कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए, जो कि इस वक्त 273 सीटों के साथ बीजेपी को हासिल है। तो वहीं दूसरी शर्त के मुताबिक राज्यसभा में बीजेपी के पास 2/3 सीटें होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा में 245 सीटों में से 69 सीटें ही हैं। यानी दूसरी शर्त भी पूरी करने के लिए बीजेपी के पास कम से कम 123 सीटें होनी चाहिए। मतलब अब इस शर्त तक पहुंचने के लिए बीजेपी को काफी वक्त लगेगा। अब तीसरी शर्त की बात करें तो देश के कुल राज्यों में से आधे राज्यों में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। मौजूदा वक्त में बीजेपी की 15 राज्यों में सरकार है, यानी तीसरी शर्त भी बीजेपी पूरी करती है। तो इस हिसाब से संविधान फिर से लिखने की 3 शर्तों में से 2 शर्तें बीजेपी पूरी करती है, लेकिन राज्यसभा में 2/3 बहुमत से बीजेपी अभी काफी दूर है। अब इस शर्त को पूरा करते करते अगले लोकसभा चुनाव समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, तब तक इंतजार करना होगा।